रिलीज हुई रजनीकांत अभिनीत फिल्म काला, जिसने कुछ ही दिनों में विश्व में 450 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस फिल्म का निर्देशन पा रंजीत ने किया है, जो कि दलित समुदाय से आते हैं और अपनी फिल्मों में दलित बहुजनों की समस्याओं और अंबेडकर फुल्ले पेरियार को बड़ी बेबाकी से विभिन्न रूपों में उतार पाने में कामयाब होते हैं। हम यहाँ पर पी रमेश कुमार से बात करेंगे, जो कि बेनेट यूनिवर्सिटी में प्रिंट जर्नलिज्म पढ़ाते हैं और दिल्ली में ये इनका यूनिवर्सिटी है। तो सर, आप हमसे हमें बताइए कि जो काला मूवी है, ये बाकी मूवी जो दलित तमिल सिनेमा में है और ये जो भारतीय सिनेमा में है जो भी मूवीज आती है, उनसे किस प्रकार अलग है? जी, ये एक तो एंटरटेनिंग होते हुए, जैसे रजनीकांत का है तो उसमें काफ़ी एंटरटेनमेंट है, उसके कुछ मैनरिज्म्स होते हैं, कुछ ना स्टंट्स वगैरह होते हैं, वो सब होता है, तो लाइट फिल्म होता है उसका। तो उसके अलावा एक सीरियस थीम को लेकर डील करता है, तो उस प्रकार ये उस मायने में बाकी फिल्मों से अलग है। यानी कि सिर्फ जैसे कि इस फिल्म में रजनीकांत को हर लड़ाई को जीतते हुए नहीं दिखाते हैं, यू नो, तो ये हारता भी है और आखिर में मर जाता है कि नहीं, वो ओपन एंडेड छोड़ता है डायरेक्टर, यू नो, तो ह्यूमन है, वेरी ह्यूमन, बट ज़रूर इसमें जो है ये लड़ सकते हैं करके दिखाया है, मतलब कि वाकई ना बहुत लोगों के लिए, यू नो, उनके समुदाय के लिए ये, यू नो, तो डिफरेंट है। सिर्फ एंटरटेनमेंट पिक्चर नहीं है, इसके पीछे एक सीरियस थीम है और दलित मुस्लिम यूनिटी भी दिखाते हैं बीच में बाई मेकिंग हिम मैरी दैट मुस्लिम गर्ल इन द फिल्म, यू नो, दैट वे। तो आप मानते हो कि काला मूवी आने के बाद दलित युवाओं के अंदर, खासकर दलित युवाओं में, ये किस प्रकार का नया डिस्कोर्स खड़ा कर पाने में सफल हुई है और आगे जाकर इसकी महत्व किस हद तक जा सकती है, इसका रिलीवेंस किस ओर ले जाएगा? ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि पिक्चर तो पिक्चर रिलीज हो गया अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ ना, तो अभी क्या हो गया मैं नहीं जानता हूँ अब तक। क्या हो सकता है ये मैं बता सकता हूँ। देखो, एक हेल्दी डिज़ायर फॉर चेंज, वो जो है पैदा कर सकता है ये, अगर लोग इसे सही रूप में देखें तो, यू नो, सिर्फ स्टंटबाजी के तौर पे देखेंगे तो फिर अगेन दलित यूथ्स विल बी मिसगाइडेड, क्योंकि हम सब ने लीगल पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेट करना, हम सब ने, यू नो, सदियों से कोई बुरा होता रहा है, इस वजह से हम लोग जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ हैं, हम लोग अभी जो है लॉ तोड़ नहीं सकते, उसे मैं तो अप्रूव नहीं कर सकता हूँ, है ना, मेरा इंटेलेक्ट नहीं मानता है, बिकॉज लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहना है। तो वो काफ़ी हद तक इस फिल्म में दिखाया, वो लीगल पैरामीटर्स के अंदर रहता है, बीच में ऑफकोर्स ही टेक्स द लॉ इनटू हिज हैंड समटाइम्स व्हेन ही हैज टू सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वगैरह वगैरह, बट जिस जो कस्टोडियन ऑफ लॉ दिखाया है नाना पाटेकर, हु इज़ अ पोलिटिकल लीडर, वो खुद जो है लॉ के साथ खेलता है, तो यू नो इसका थोड़ा कम नज़र आता है। भाई, अच्छा होगा अगर दलितों में ये पैदा हो कि अपने राइट्स के लिए तरीके से लड़ें, यू नो, तरीके से लड़ें और जितना यूनिटी प्रैक्टिस करें और जितना वायलेंस से दूर रहें उतना अच्छा है करके ये। अच्छा, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। और हम इसी सिलसिले में हम टिस मुंबई में सुधार्थी, जो कि कल्चरल मीडिया एंड स्टडीज़ में दलित सिनेमा के ऊपर सुधार्थी है, सुबोध मिंटो से, उनसे हम बात करेंगे। तो आपका स्वागत है सुबोध सर। थैंक यू। हम आपसे जानेंगे कि किस प्रकार जो काला मूवी है ये भारतीय समाज और दलित समाज में एक नई प्रकार की जो है विचारधारा को खड़ा करने में और उनकी समस्याओं को पोर्ट्रेट करने में सफल होती है। पहले तो मैं पारंजीत के बारे में बताना चाहूँगा। पारंजीत ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने पहली बार इस किस्म के विषयों को मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाने की कोशिश की है। पारंजीत खुद उस समुदाय से आते हैं जो जिसे हम लोग जिसे दलित कहते हैं, फॉर्मर अनटचेबल जिसे कहते हैं, तो उनका एक हमेशा से रहा है कि जो ग्राउंड की स्टोरीज़ है, जो लैंड की जो स्टोरीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की स्टोरीज़ है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेन स्ट्रीम सिनेमा में लाए। अगर हम देखें तो इसके पहले जो फिल्म आई थी, दो फिल्में, मद्रास और कबाली आई थी, दोनों में एक जो हीरो होता है उसका अभी तक का जो पोर्ट्रेल होता था वो एक इनके नामों से भी बोले कि ये थोड़े विलेनस या इनको बुरा एक देखा जाता है। इसमें भी ये जो काला का कैरेक्टर है वो काला यानी काले को घिन घिन से देखा जाता है, तो वो जो घिन है समाज की घिन
इन तबकों को, इन अनटचेबल्स को देखा जाता था। तो इस घिन से उभारने का या इस घिन वाली मानसिकता को सबवर्ट करता इनका डिस्कोर्स होता है। ये उन तबकों को जिनको सदियों से निचला समझा गया, कचरा समझा गया, उनमें के हीरोज़ होते हैं। उनकी तरफ देखने का पूरी तरह नज़रिया पारंजित पूरा हमारा बदल देते हैं। अब बात रही नए समाज क्या पॉपुलर कल्चर में इस डिस्कोर्स के आने की, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी तक पॉपुलर कल्चर में दलितों का या इन तबकों का, मुस्लिम का, सिर्फ टोकनिज्म के नाम पे इनको यूज़ किया जाता है कि एक मुस्लिम कैरेक्टर हो गया, एक दलित कैरेक्टर दोस्त बोल के हो गया, लेकिन कभी इन तबकों की मेन स्ट्रीम स्टोरीज नहीं आती थी, इन सबकों का व्यू पॉइंट नहीं आता था अब तक। तो पॉपुलर कल्चर में सिम्बोलिज्म होना, पॉपुलर कल्चर में आज तक हम नॉर्थ इंडियन सिम्बोलिज्म ही देखते थे, पंजाबी डोमिनेंट सिम्बोलिज्म देखते, ब्राह्मणिक डोमिनेंट सिम्बोलिज्म देखते थे, लेकिन यहाँ पहली बार इन तबकों के जो सिम्बोलिक है, जैसे अम्बेडकर का यहाँ पे बहुत मान्यता है, तो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर के फोटोज़ आप देखेंगे, बुद्ध विहार के बैकड्रॉप में इनकी मीटिंग्स होते देखेंगे, ऐसे छोटे छोटे सिम्बोलिज्म यूज़ किए हैं इन्होंने, जिसका पॉपुलर कल्चर में आना ये बहुत बड़ा बेंचमार्क है मैं मानता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो बाबा साहब की जो तस्वीर दिखाना और ये छोटे मोटे जो उनके बीच बीच में कहीं ना कहीं ये उनका बहुजन समाज के नायकों का जो प्रतिबिंब वहाँ पर लगाना, ये टोकनिज्म की ओर मतलब करता है, क्योंकि इससे कि थोड़ा भर बता के पूरी मतलब एक मूवी को ये कह देना कि ये दलित समुदाय में एक दलित मूवी है, तो ये आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं टोकनिज्म है? देखिए, टोकनिज्म के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि फिल्म बनाता कौन है, किसके रुख से ये फिल्म बनाई गई है। अगर ये फिल्म किसी एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति ने या एस्टैब्लिश डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने बनाई होती या उसकी स्टोरी लाइन होती है, तो आपको पर्सपेक्टिव में डिफरेंस दिख जाता था, क्योंकि टोकनिज्म अपने साथ एक विशेष प्रेजुडाइस लाता है जो आपको दिखाई देता है। आपको ये भी दिखाई देता है, जैसे इसके पहले एक मराठी फिल्म में एक दलित युवा कैरेक्टर दिखाया जो बहुत गुस्सेल दिखाया, जो पोर्ट्रेल जनरली होता है एक, उसको गुस्सेल दिखाया जाता है, उसको एक फाउल माउथेड दिखाया जाता है, उसको एकदम जिसको कहते हैं ना, उसके प्रोफेशन ऐसे दिखाए जाते हैं कि वो निचले तबके, लेकिन कभी आपको वो लोग अच्छे कपड़े सूट बूट पहनने वाला दलित नहीं दिखाएंगे वगैरह। तो टोकनिज्म के आप वो देखिए कि धाराएं कैसी बहती है। जब कोई उस तबके का व्यक्ति जब ये बात कहता है, तो उसको हम टोकनिज्म की श्रेणी में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो जब कहेगा, वो बोलेगा कि ये मेरी सक्सेस स्टोरी है, उस सक्सेस स्टोरी को रिकॉग्नाइज करना कोई टोकनिज्म नहीं है। सक्सेस स्टोरी आनी चाहिए, अब तक हमने उनको दबा घुसला दिखाया, अब इनको एम्पावर्ड दिखाएंगे, एम्पावरिज्म के सिम्बोलिज्म्स है, सिम्बल्स है, उनको लेके हम दिखाएंगे, हमारी स्टोरीज दिखाएंगे, हमारे नेता जो बाबा साहब है, बुद्ध है, उनके बहुजन समाज के नेताओं के इन्फ्लुएंसेस, उनके सिम्बोलिज्म दिखाएं। टोकनिज्म और इसमें ये बेसिक फर्क है, ये मैं मानता हूँ। धन्यवाद सर आपका।